अस्सलामुअलैकुम। आज के YouTube के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से YouTube चैनल को क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से प्रोफेशनली। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक अदद आपको Gmail चाहिए होती है YouTube चैनल बनाने के लिए। आपके पास एक ईमेल होनी चाहिए, आप उस ईमेल को यूज़ करते हुए एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको ईमेल का क्रिएट करने का तरीका नहीं आता तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करके वो तरीका देख के उसे ईमेल अपनी क्रिएट कर सकते हैं, जीमेल क्रिएट कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि वो जीमेल हो या फिर आउटलुक हो, कोई भी हो, उससे आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा। उसे आपने उसके ब्राउज़र में लॉगिन कर लेना है। अभी देखें, मैंने इसे इधर लॉगिन किया हुआ है अपने ईमेल को, जीमेल को। लॉगिन करने के बाद आपने आ जाना है अपने यूट्यूब में, ठीक है। यूट्यूब को जैसे हम ओपन करते हैं तो इधर भी आपने उसे लॉगिन कर लेना है। ये ऑटोमेटिकली सिंक हो जाती हैं, तो जब आप बाहर ही लॉगिन कर लेंगे उसे तो अंदर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि राइट साइड पे आपको यहाँ पर जो भी आपका प्रोफाइल का नेम होगा या जिस भी नेम से आपने ईमेल क्रिएट की होगी तो उसका फर्स्ट लेटर जो है ना वो आपको बड़ा सीधा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप ईमेल के बनाते हैं कि फिज़ान इकबाल 12@gmail.com, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो फिज़ान तो एफ इधर आ रहा होगा। सो इसी तरह से आपका कैपिटल जो पहला आपका अल्फ़ाबेट है आपके नेम पर जो भी आपने यूज़ किया होगा वो यहाँ पर आ रहा होगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उधर क्लिक करते हैं आपको क्रिएट अ चैनल का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी चैनल क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप YouTube स्टूडियो पे भी जाके इधर से भी वहाँ पे हम जो अपना काम है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, हम चलिए क्रिएटर चैनल पे क्लिक करते हैं। जैसे हम क्रिएटर चैनल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक पॉपअप अपीयर हो जाता है और यहाँ पर वो हमें पिक्चर अपलोड करने का कह रहा है। तो हम यहाँ पर नेम दे सकते हैं और पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। जब हम अपलोड पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो हम ये हमें हमारे सिस्टम के अंदर ले आता है और हम जो भी लगाना चाह रहे होते हैं, जो भी हम कह रहे हैं प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाह रहे होते हैं वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपने चैनल का जो नाम रखना चाहते हैं नेम पे क्लिक करके आप यहाँ पर वो सेट कर सकते हैं और वही आपके चैनल का नेम सेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने चैनल का नाम रखना चाहता हूँ XYZ, तो मैं XYZ लिखूँगा तो ये मेरे चैनल का नेम है। और ये जो हैंडल है ये यूट्यूब ने रिसेंटली अपडेट लॉन्च किया है, तो ये हैंडल्स भी होते हैं जिसकी वजह से जो है हम अपने चैनल को लोकेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपने पसंद का कस्टम हैंडल भी जनरेट कर सकते हैं अगर तो अवेलेबल होगा। अभी XYZ का देखें अवेलेबल नहीं है, तो वो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए XYZ00019 ये मैं कुछ कर रहा हूँ, तो ये भी अवेलेबल नहीं है। सो आप देख लें कि जो अवेलेबल होगा तो आपको वही रखना पड़ेगा, उसके अलावा कोई भी यहाँ पर सेट नहीं होगा। ये वाला देखें जो अवेलेबल होगा तो वो ग्रीन मार्क आ जाएगा। उसके बाद आप क्रिएट चैनल पे जब क्लिक करते हैं तो आपका चैनल क्रिएट हो जाता है। सिंपली सिर्फ यही कुछ सेटिंग्स हैं। तो ये मैंने क्लिक किया क्रिएट चैनल पे और ये देखें कुछ लोडिंग लेगा और उसके बाद हमारा चैनल क्रिएट कर देगा। ये चैनल हमारा क्रिएट हो गया और वो कह रहा है कि योर चैनल इज़ बीइंग क्रिएटेड, चेक बैक इन फ्यू मिनट्स। तो चैनल जो हमारा है वो यूट्यूब के एल्गोरिथम में ऐड कर दिया गया है, ठीक है जी। वापस हम आ जाते हैं होम पेज पे, अब वापस हम इधर आते हैं तो अभी देखते हैं हमें क्या ऑप्शंस मिलते हैं। पहले हमारे पास इधर आ रहा था क्रिएट यूट्यूब चैनल, लेकिन अभी हमारे पास इधर आ रहा है योर चैनल, ठीक है। हम योर चैनल पर आते हैं तो ये हमारे चैनल का हमें देखें वो प्रीव्यू दे रहा है जो अभी हमने क्रिएट किया, ठीक है। तो वापस हम इधर से आते हैं और इधर हम आ जाते हैं यूट्यूब स्टूडियो में, क्योंकि यूट्यूब स्टूडियो ये वो जगह है कि जिधर आप अपने पूरे चैनल को मैनेज कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं, कुछ भी आपने करना हो तो आप यूट्यूब स्टूडियो से ही करते हैं। तो ये हमारा यूट्यूब स्टूडियो लोड हो रहा है। तो इधर आने के बाद हम जो है अपने चैनल का नेम अगर चेंज करना है वो कर सकते हैं। इसमें अगर डिस्क्रिप्शन वगैरह आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं, लिंक्स ऐड करना चाहते हैं, प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, या फिर जो YouTube का बैनर है वो ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो सारा कुछ YouTube स्टूडियो में हो जाएगा। तो इधर ही हमें वेलकम कह रहे हैं, सो इधर हम कंटिन्यू कर देते हैं। ये हमारा जो चैनल है वो क्रिएट हो चुका है। होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा कि हम एक चैनल को कैसे क्रिएट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।